हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है रिलेटेड आपका उत्तराखंड में अभी जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है उससे। इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है ग्लेशियर बर्स्ट की सिचुएशन से टैकल करने के लिए, डील करने के लिए, और क्या क्या यू नो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है हमारे इंडियन स्टेट में। तो ये सारे पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं डिस्कस करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड तक आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्लेशियर बर्स्ट की। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑल्सो क्लास का जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो टेलीग्राम ऐप को और PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास विदाउट एनी डिले। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि 12th ऑफ फेब से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर 2022 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। और ये नए बैचेस हैं 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स एंड 2 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स, जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। बैच कोर्सेज आपके बाइलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, तो आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने NCERT बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर मैं भी NCERT के कोर्सेज को ले रही हूँ, यानी कि साइंस के NCERT कोर्सेज को। आई एम डीलिंग विद द साइंस NCERT कोर्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज। सो इफ यू विश टू इनरोल इन द NCERT बैचेस, योर टाइम इज हेयर। परसों से क्लासेस शुरू हो रही है, 12th of Feb से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फटाफट से आप इसमें इनरोल कर लीजिए, ओके। सो द लिंक ऑफ द सेम इज गिवन बिलो। ऑल्सो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट नाउ By using this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हो Sharma20, तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट भी आपके बैच पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड यूज कीजिए Sharma20 और फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज के आज। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So over here in the news we see that parts of Uttarakhand they witnessed massive flooding due to glacial lake outburst, right? तो ये glacial lake outburst क्या है ये समझ लेते हैं। It's a type of outburst flood and it occurs when water dammed by a glacier is released, ठीक है। तो एक water, एक area, water body जब इस glacier से dammed हो जाती है, यानी कि कवर अप हो जाती है, जब वो वाटर रिलीज होता है तो एकदम उसका आउटबर्स्ट होता है, यानी कि वाटर का जो फ्लो था वो रुका हुआ था ग्लेशियर के वजह से। ओवर हियर इन द मैप आल्सो यू कैन सी द वाटर फ्लो वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर, एंड वंस द ग्लेशियर इज साइडलाइन द वाटर इमर्जेस आउट इन अ स्प्लैश इन एन आउटबर्स्ट व्हिच रिजल्ट्स इन अ ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ओके। इट्स एन आउटबर्स्ट दैट हैपेंस व्हेन अ डैम कंटेनिंग अ ग्लेशियल लेक fails. So an event similar to the glacial lake outburst floods, where a body of water contained by glacier melts or outflows or overflows the glacier, is also known as Jokul Lop. This is also very important. ये आपके prelims के लिए information बहुत ही ज़्यादा important है. So basically, it is an outburst that happens when a dam containing a glacial lake falls. Okay, so there are 3 major features of GLOF. First is they involve sudden release of water, sometimes cyclic release of water as well. Then second feature is they tend to be rapid events lasting for hours or days, and they result in large downstream discharge of river water, right? It can increase also by an order of magnitude. Now the question is, why does a glacier break? सबसे पहले question आता है, ये glacier retreat क्यों करते हैं, break क्यों करते हैं? The reason can be erosion. Reason आपका erosion हो सकता है. Or the reason can be, write it down, build up of water pressure. This also can be the reason. All right. Or the reason can be the earthquake under the ice. Write it down. It can be earthquake under the ice. This also can be the reason. Or displacement of water in a glacial lake when large portion of an adjacent glacier collapses into it. Or the avalanche of snow or rocks. That can be the reason why this glacial outburst happens. And what can be the impact? Although glacier lakes can vary in volume, they are known to hold millions to hundreds of millions of cubic meters of water. And a failure to contain ice or glacial sediment, it can result in water being released even for days, right? So here also
दिस ग्लेशियल आउटबर्स्ट इज वेरी वेरी यू नो अलार्मिंग. पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड रिसेंटली विटनेस्ड दिस मैसिव फ्लडिंग आफ्टर अ चंक ऑफ द नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ. तो यहाँ पर कौन से ग्लेशियर का चंक टूटा है जिस वजह से ये आउटबर्स्ट देखने को मिला है? द नंदा देवी ग्लेशियर, रिमेंबर दिस, इट ब्रोक ऑफ एट जोशीमठ इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो बेसिकली इट ब्रॉट बैक दी हॉन्टिंग मेमोरीज ऑफ 2013 केदारनाथ कैलामिटी. ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लेशियल यू नो लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. ऑल्सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉजेज. हमने यहाँ पर कॉजेज पढ़ ली हैं, बिल्डअप ऑफ वाटर प्रेशर, स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ बाउंड्री ऑफ द डैम बिकॉज ऑफ विच इट वॉज अनेबल टू होल्ड अप द ग्लेशियल वाटर, अर्थक्वेक बिलो द आइस विच इज नोन एज क्रायोसिज्म ऑल्सो, नॉन टेक्टोनिक सेस्मिक इवेंट, एवलांचे ऑफ रॉक और हैवी स्नो, वॉल्केनिक इरप्शंस, हैवी रेनफॉल और मेल्टिंग ऑफ स्नो, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन कैन ऑल्सो इंड्यूस और यू नो स्टार्ट द आउटबर्स्ट. सो वॉट आर ग्लेशियर्स? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ द फॉलन स्नो एंड इट कंप्रेसेस इन टू लार्ज थिकेंड आइस मासेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड वेर आर दे फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर कॉन्टिनेंट में आप देखोगे ग्लेशियर का फॉर्मेशन बट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं बनता है. As you can see in the picture, this is the result of the massive outburst of glacier. Right? ये आप देख सकते हो massive outburst का ये नतीजा होता है. The question is how well India is prepared to handle such situation. ऐसी situations को handle करने के लिए India कितना prepared है? ये आता है आपका important question. Right? So let us understand this as well. ये भी समझ लेते हैं. While some work on the identification of such lakes where the dams are very, you can say, weak, it has been done by Central Water Commission. Other aspects are still a work in progress. A robust early warning system needs to be, you know, in place. Broad framework for infrastructure development should be developed. Construction and excavation in vulnerable zones should be done in order to prepare India for such incidences. So this was all about the GLOF. ये था आपका GLOF. सभी important terms, important perspectives related to the glacial burst and how India is prepared to handle such situations have been discussed in the class. I hope you enjoyed this session. अगर आपको ये session अच्छा लगा तो जल्दी से like button hit कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए. Thank you.